फैमिली लेके आए हो आप? जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली हम लोग लेके आए हैं। मतलब ऐसा पहले नहीं होता था, अब होता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी की टेंशन भरी जो है दिन बीतने के बाद थोड़ी सी जब शाम को इस प्रकार का सुकून मिल जाए तो कहने की एक अच्छी नींद आती है। आप लोग कहाँ से हैं? यहीं से, जेडीपी से। जेडीपी से हैं। हाँ। यहाँ आप लोग आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अच्छी क्या लगी ज्यादा, रंगोलियाँ अच्छी लगी या फिर जो गाने गाए जा रहे हैं अच्छा लगा? रंगोलियाँ भी सबकी बहुत अच्छी है और जो गाने गा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे लगे सबके। दीपावली कैसी मनी आप लोगों की, कैसी बनाए दीपावली? बहुत अच्छा मनाया। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं दो साल कोरोना की वजह से लगभग लोगों की दीपावली जो है फीकी थी। कैसी लगी आप लोगों की इस वर्ष की दीपावली, आपने कैसे मनाया? बहुत अच्छे से मनाया और बहुत मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से चर्चा करेंगे। यहाँ पर भाई साहब आपका शुभ नाम बताएंगे। रोहित आचार्य। आचार्य जी यहाँ इस प्रकार का कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है, इतना प्यारा समा बंधा हुआ है, आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस दलपत सागर? इससे पहले तो ऐसा माहौल यहाँ देखने को नहीं मिलता था, अभी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मंच मिल गया है लोगों के लिए। एक तो लोग अभी सैटरडे संडे मनाने के उद्देश्य से भी यहाँ लोग आ रहे हैं, है ना, और पहले ऐसा माहौल नहीं था, अभी काफ़ी अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से जैसा मैं देख पा रहा हूँ रंगोली कार्यक्रम रखा गया था और एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं कि जिसमें लोग अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जिनको गाने का शौक है ना, तो काफ़ी एक अच्छा माहौल मिल रहा है लोगों को यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा माहौल दिया जा रहा है लोगों को और साथ ही साथ जो है ओपन माइक दिया जा रहा है जिससे जो है लोग अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विजयलक्ष्मी सिंह। विजयलक्ष्मी जी यहाँ पर ओपन माइक दिया गया है, लोग आ रहे हैं, है ना, अपने सुरों में लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इससे जुड़े हुए भी हैं योद्धे से, तो बहुत ही खुशी मिलती है। आप कहने की आप लोग कहें तो पार्ट हैं इस, ये जो ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं इसके पार्ट हैं आप लोग। जी 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 बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? कहने की लोग जो है पहले शनिवार और रविवार को मूवी जाने की बात करते थे, जब से दलपत सागर का जीर्णोद्धार हुआ है खींचे चले आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है जरा बताएंगे? यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक अलग माहौल हो गया जब से दलपत सागर में कार्यक्रम होने लगा, वहाँ एकदम अलग सा माहौल हो गया है, मतलब गीत संगीत दीप प्रज्वलित कार्यक्रम बहुत अच्छा। आने वाले कुछ दिनों में 12 नवंबर को बताया जा रहा है दीपोत्सव मनाया जाने वाला है, इसके लिए आप एज अ सिटीजन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बाल विहार विद्यालय से पंड्या मैडम बोल रही हूँ और हमने स्कूल के सारे बच्चों से कहा है कि दीप तेल और बाती ये सारी चीज़ें लाएं, इसके अलावा अगर कोई छोटे बच्चे हैं 10 रुपये 20 रुपये भी आप लोग देकर पूरे स्कूल से हमारे बाल विहार की तरफ से हम इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं, आप फैमिली लेके आए हुए हैं? हाँ। आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सब अच्छा, माहौल अच्छा है, अच्छा लग रहा है सब बैठे बैठे सब। ठीक है, तो रंगोली बनाई जा रही, इस और आएंगे, चलिए इधर चलेंगे, इस और जो है रंगोली यहाँ बनाई गई है, बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है, इस और देखिए ये दीप वाली रंगोली यहाँ पर बनाई गई है, इस और बनाया गया है श्री कृष्ण जी की रंगोली बनाई गई यहाँ पर। यहाँ सिटीजन भी हैं, भैया आपका नाम बताएंगे? विवेक। विवेक जी आप कहाँ से हैं? मुंबई। मुंबई से हैं, तो बस्तर जैसा क्षेत्र यहाँ आने के बाद आपको अगर ये सब देखने मिलता है कि यहाँ पर लोग गेट टुगेदर कर रहे हैं, है ना, सैटरडे बस फीलिंग बता दीजिए, सैटरडे संडे लोग मूवी की प्लानिंग करते होंगे आपके शहर में, कहने के यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं परिवार लेके आए हुए, कैसा लग रहा है देख करके आपको? कैसा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, मतलब मुंबई से यहाँ पे आज ये देखना तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुंबई से भी लोग आ गए हैं बस्तर, तो बहुत अच्छी बात है, वरना बस्तर से लोग सिर्फ मुंबई ही जाते हैं। महोदय नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पर रंगोली और सिंगिंग चल रहा है, बेस्ट आपको क्या लगा? बेस्ट दोनों हैं अपनी अपनी जगह में। चलिए बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया है, इन्होंने ना सिंगिंग का पक्ष लिया ना ही रंगोली का पक्ष लिया है, इन्होंने बीच में ही जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है।